हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन की। आप लोग में से कितने लोगों का सवाल था कि ड्रोन को कैसे स्टार्ट किया जाए और किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसके जो विंग्स हैं पंखों को सेट किया जाए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि ड्रोन को कैसे सेट किया जाए और कैसे उड़ाया जाए और इसको किस क्वालिटी पर उड़ाया जाए कि किसकी जो वीडियो क्वालिटी हाई आए। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में बने रहें तो मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से इसको ऐप से कनेक्ट किया जाए और किस तरीके से इसे। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास चार पंखड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। पहले यहाँ पर जो ब्लैक वाली विंग्स हैं पंखड़ी, तो यहाँ पर लगेगी ब्लैक, ब्लैक में इधर ब्लैक ब्लैक, और इधर जो ग्रे कलर वाली है इन दो पॉइंटों पे लगेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लगा के आप देख सकते हैं इस पे जो बना हुआ है इसका सिस्टम। और इसमें ऐसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, यहीं पे जो बैठेगा जो इसकी विंग्स हैं, जैसा कि आप देखोगे अभी बैठाएंगे। ये देखिए पंखड़ी को अभी इस पर रखा गया, लॉक सिस्टम दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ब्लैक वाला ब्लैक में ही लगेगा। इसको लॉक कर दिया, क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। जैसा देख रहे हैं, आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा डीपली, खोलने के लिए आपको भी प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसे बाहर निकाल लीजिए। बैटरी निकालनी हो तो आप जो बैटरी का है टॉप पे जो दिया है इस बटन को प्रेस कीजिए, जैसा कि उन्होंने प्रेस किया, और इसको बाहर की तरफ खींचिए बिल्कुल, जैसे ये आपकी बैटरी आराम से निकल जाएगी बाहर। तो आप देख सकते हैं यहाँ चार्जिंग कर सकते हैं इस बैटरी को आप, ठीक है, ये बना हुआ है। और फिर जब बैटरी को आपको लगाना हो तो उसी तरीके से आपको फिर से प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस की प्रेस करना है और इसको अंदर की तरफ पुश करना है, ठीक है, जैसा कि आपका लॉक हो गया। तो अगर आपको ड्रोन स्टार्ट करना है तो आपके पास जो बैटरी में चार लाइटें दे रखी हैं, 1 2 3 1 2 3 4, और इसके बगल में एक बटन दे रखा है, इसको एक बार प्रेस कीजिए फिर एक बार और कीजिए कुछ देर टाइम के लिए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको इसे दो बार प्रेस करना पड़ेगा, एक बार आपको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना है और दूसरी बार कुछ देर के लिए करना है 10 सेकंड के लिए, तो ये आपका ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिला है। यहाँ पे आप एक ही चार्जर से ड्रोन भी चार्ज कर सकते हैं, इसे भी चार्ज कर सकते हैं, तो इसे आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। एक बार ये चार्ज हो जाने के बाद करीबन 10 से 20 बार आप इसको उड़ा सकते हैं, 20, ठीक है। और आपको इसे बंद करना है और उड़ाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उड़ाते समय आप ये जो इसके सिग्नल है इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ से इसको लूज और टाइट कर सकते हैं, यहाँ से टाइट कर दीजिए और ठीक है, और ये सब ओपन होता है, इसमें कोई छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं RSV दे रखा है, इसको आप नॉर्मल पे रहने दीजिए। और ये देखिए, इससे आप फुटेज स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ, और ये जो दे रखा है इससे आप स्टॉप कर सकते हैं और फ़ोटो भी ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करके स्टार्टिंग के समय आप यहाँ से फ़ोटो भी खींच सकते हैं, जैसा कि आपको देख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिला हुआ है, ये रहा, अब यहाँ पे हम आप लगा सकते हैं बिल्कुल, जैसा कि ये देख रहे हो, इसमें आपको जो आपकी केबल है इस लगाना है इसको इसमें, ठीक है, जैसा कि आपने लगा दिया। अब इसको अपने डिवाइस से कनेक्ट कीजिए, जिसे भी मोबाइल हो आप इसमें मोबाइल लगा के ऊपर से प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ये देखा मोबाइल लगा दिया। अब इसका डाटा केबल भी कनेक्ट है, ये स्टार्टिंग है जैसा कि आपको दे रखा है, इसमें आपको फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं डाटा केबल के थ्रू, ये देखिए जैसा कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए बटन को प्रेस करना पड़ेगा ऑन ऑफ वाले के लिए, पहला बटन आपको 1 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, दूसरी बार आपको 5 सेकंड के लिए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, दो बार प्रेस करना होगा बटन। अब ये तुम्हारा ड्रोन स्टार्ट हो गया, आप तुम्हें जाना है ऐप्स में, ऐप्स में आप जाएंगे, इसका नाम है DJI GO। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सब कुछ कनेक्ट करने के बाद आपको ऐप्स पे कनेक्ट करना है। चलिए अब ये देख लिया, अब ऐप्स आप खुलने वाला है यहाँ पे DJI का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप पहले देख लीजिए, जूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको ऐप्स को क्लिक करना है, क्लिक कीजिए ऐप्स को, ये क्लिक हो गया ऐप्स को, अब ये खुल गया, आपका ड्रोन स्टार्ट है और इसमें ऑप्शन आएगा गो फ्लाई का। अब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं आपका ड्रोन कौन सा है, DJI Mavic 2 के ऊपर क्लिक कीजिए, ट्रायंगल के ऊपर, अब यहाँ पे आपको दिखेगा, ऊपर कीजिए, स्लाइड कीजिए, अब दिखेगा जो आपका ड्रोन है उसे सिलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब एंटर द डिवाइस कीजिए, ये हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम कैमरा को हवा में अप डाउन करना है ऊपर नीचे, तो आपको ये जो बटन है इसको आप पे ले आएंगे तो ये ऊपर जाएगा,
अगर इसी बटन को आप नीचे ले आएंगे तो नीचे आएगा, ऊपर में, इससे ऊपर नीचे होगा कैमरा आपका। ज़्यादा फ्लाइट पे जैसे आपको उड़ाना है तो आपको नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे करेंगे तो नीचे जाएगा। अगर आपको इसे रोटेट करना है, रोटेट करने से ये चीज़ आपके जो कैमरे में जो फुटेज है हाई क्वालिटी में आएगी और अच्छी आएगी। इससे आप अप डाउन कर सकते हैं कैमरा, जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरा घूम रहा है। हैं तो इसको ऐसे टर्न करना है कि ये उड़ जाए ड्रोन। तो देखिए जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको टर्न करना है और ये आपका ड्रोन उड़ने के लिए रेडी हो जाएगा और इसको फिर उड़ा सकते हैं आप। तो देख लिए वीडियो में, बंद करो। से आपने उड़ाया है ड्रोन को तो आपको ये ऑप्शन दे रखा है, बीच में जो एच दे रखा है, एच का ऑप्शन दे रखा है और एक एरो दे रखा है, तो आपका ड्रोन जहाँ से उड़ा है वहीं से वापस आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है, अगर जैसे आप जहाँ ड्रोन उड़ा के ले गए अगर वहीं पे आपको ड्रोन को लैंड कराना है तो ये रहा ऑप्शन, ऊपर जो एरो ऊपर दिखा रहा है तो उसी जगह आपका ड्रोन लैंड होगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं मैप में, तो इसी जगह आपका ड्रोन लैंड होगा और ये स्लाइड करोगे तो ड्रोन आपका वहीं उतर जाएगा। और देख सकते हैं आपको ये मैप में उड़ाने से पहले आपको मैप को अपडेट करना पड़ेगा जहाँ से आपने ड्रोन उड़ाया, जैसा कि आप कहीं से भी उड़ा रहे हैं तो ये ड्रोन मैप में अपडेट हो जाएगा कि आपने उसी लोकेशन पर उड़ाया। जरा अगर आपको ड्रोन वापस रिटर्न लाना है तो इस बटन से क्लिक करेंगे तो आपका ड्रोन इसी जगह वापस आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको और कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में दे रखा है आप गो फ्लाई पर जाएंगे आपका ड्रोन उड़ जाएगा। यहाँ रेड बटन, रेड पे क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेड के नीचे दे रखा है सेटिंग, रेड के नीचे सेटिंग दे रखा है, उसको क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे वीडियो पे जाएंगे, इग्नोर कर दीजिए अगर ये आए तो ऑप्शन, अब उस पर जाइए कैमरा पे कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग है, वीडियो साइज के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप वीडियो की साइज़ क्वालिटी घटा सकते हैं, अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आप 4K में, और थोड़ा उससे मीडियम क्वालिटी चाहिए तो आप 4K वाला यूज़ कर सकते हैं, 2.7K वाला भी यूज कर सकते हैं, 1080 अगर आपको साइज़ छोटा चाहिए तो आप 1080 यूज कीजिए। यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं और ठीक है, आप सेटिंग से बाहर आ जाइए। तो आप देख सकते हैं ड्रोन रिकॉर्ड कर सकता है, जैसा भी आप, अब ये नीचे आपको दिखाएगा यहाँ पे कितना हाइट पे उड़ रहा है, डी मतलब नीचे दिखाएगा कितनी स्पीड में चल रहा है, हाइट दिखाएगा, डिस्टेंस दिखाएगा, डिस्टेंस की जगह आप देख सकते हैं 9 पॉइंट कुछ फीट दिखा रहा है डिस्टेंस, और हाइट दिखा रहा है 0.0 फीट, क्योंकि अभी उड़ा नहीं रखा ड्रोन। तो आप जैसा कि सेटिंग में देख सकते हैं उड़ाने के लिए आपको पूरी सेटिंग दे रखी है,